हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इससे हो सकता है आपकी लाइफ चेंज हो जाए या आपके लाइफ में कुछ बदलाव आ जाए, तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। देखिए, कहानी जो है एक 28 वर्षीय लड़के की, जिसका नाम है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध जो है एक बिजनेसमैन है, वो अपना बिजनेस चलाता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है कि वो बिज़नेस स्टार्ट करता है, लॉस दिखाता है तो वो बंद कर देता है, फिर दूसरा बिज़नेस खोलता है, लॉस दिखाता है, वो बंद कर देता है, जो कि चलता रहा एक साल तक। माँ बाप परेशान हो गए क्योंकि घर में बहुत लॉस हो गया है, गरीबी पे आ गए हैं और वो अपनी आदतों से नहीं सुधरा। तो घर वालों ने क्या किया, तंग आके वो लेके गुरुजी के पास। अब गुरुजी के पास जाकर उन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई। अब कहानी बताने के बाद गुरुजी ने अपने तरफ से एक्शन लिया कि उन्होंने बोला कि बाहर एक बोरा रखा हुआ है, बोरे के अंदर आम रखा हुआ है, तो आम की गुठली को आपको ज़मीन में गाड़ना है। अनिरुद्ध गया, गुठली को जल्दी से गाड़ के गुरुजी के पास आ गया। गुरुजी ने कहा आधे घंटे के बाद अब आप जाइए और देखिए क्या गुठली में से फल निकला। वो थोड़ा असमंजस में पड़ गया कि आधे घंटे में कैसे उग सकता है फल, फिर भी वो गया गुरुजी के कहने पर, देखा बोला नहीं होगा। तो गुरुजी ने कहा दोबारा निकालो उसको उससे ज़मीन से और दूसरी जगह उसको गाड़ दो। तो वो दूसरी जगह गाड़ने चला गया, फिर आया वापस, फिर आधे घंटे बाद बोला कि देखो उसमें से फल निकला, वो नहीं निकला। थर्ड टाइम जब गुरुजी ने पूछा कि आप दोबारा जाइए और उसको दूसरी जगह गाड़ी का फल नहीं निकला, तो उसको गुस्सा आ गया, वो इंपेशेंट हो गया। उसके बाद वो गुरुजी से कहता है कि गुरुजी आप पागल हैं, आपको समझ नहीं आता आधे घंटे में नहीं उग सकता है फल, इसमें समय लगता है। गुरुजी ने कहा आप ट्राई तो करिए, उसने साफ मना कर दिया। उसके बाद फिर गुरुजी ने उसको लाइफ में एक एग्जांपल दिया कि कोई भी चीज़ जल्दी नहीं होती है, उसके लिए हमें सब्र रखना पड़ता है। अगर आप सब्र नहीं रखेंगे तो आप लाइफ में फ़ेल हो जाएंगे, ये हमेशा आप याद रखिएगा। उसके बाद क्या हुआ, अनिरुद्ध को एक कहानी समझ में आ गई। अनिरुद्ध ने फिर अपना नया बिज़नेस स्टार्ट किया, उसमें पैसा लगाया उधार लेके, उसके बाद उसमें उसको कामयाबी मिली। हालांकि उसको शुरू में लॉस मिला, लेकिन वो गुठली का जो वाक्य था उसको याद करता रहा और उसमें उसने कामयाबी हासिल करी, बराबर तरक्की मिली उसको। आज उसका घर है, गाड़ी है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, मतलब आप खुद देख सकते हैं कि एक गुठली का ही एग्जांपल अगर आप देखें तो उसमें आप देख सकते हैं कि इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता है। जस्ट वी हैव टू बी पेशेंट। अगर आप पेशेंट नहीं रखेंगे, इवन इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म ले लीजिए जिस पर वर्क करें, अगर आपके में पेशेंस नहीं है तो आप उसमें सक्सेस नहीं हो सकते हैं। यू हैव टू बी पेशेंट। सारे बड़े यूट्यूबर पेशेंस से ही आगे बढ़े हैं, कोई रातों रात ऊपर नहीं आया। चलिए सर, चलिए, थैंक यू।